ये जो जमीन है ना, इसी जमीन में उनके हाथ कट जाते हैं राजकुमार जी के, जब वो जो छोटा लड़का जो बनाया था ना, वो सुनील दत्त का छोटा रोल, हाँ वो भी मर गया है, बिरजू, बिरजू, हाँ हाँ हाँ, वो इधर का था। अरे कैसे मदर नहीं है, तो यहाँ पे सब रहते थे, इसमें रहते थे, हाँ इधर अंदर है सब। देख सकते हो ये जो घर है, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आज भी ये घर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से लेकर आया हूँ मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग लोकेशन पार्ट टू। तो अभी पिछले वीडियो में देखा आप लोगों ने, सरार गांव को मैंने दिखाया था आप लोगों को, और कुछ स्क्रीनशॉट में आपको उसमें मैच भी करा पाया था। तो अभी मैं चल रहा हूँ काशीपुरा गांव में, और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ तो मेरे साथ ये लड़का है जिसका नाम है समीर, तो बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं यहाँ पे आया था तो ये सुबह सुबह मेरे को मिला था, तो अभी देखो ये मेरे को पूरे दिन से सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, बंदा मेरे लिए आगे आगे चल रहा था, लोकेशन पूछ रहा था लोगों से। हालांकि ये बंदा यहाँ का नहीं है, दूसरी जगह का है, पर मुझे अच्छा लगा इससे मिल के यार, क्योंकि बंदा मतलब इसका दिल बहुत बड़ा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों काशीपुरा गांव में, काशीपुरा गांव में हम लोग दोनों जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम लोग काशीपुरा गाँव चलेंगे, और वहाँ के कुछ सीन हैं तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा दिखाने की। और मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, गुजरात के बड़ोदरा से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है काशीपुरा, तो वहां पर कुछ सीन फिल्माए गए थे। आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि भैया आप एड्रेस नहीं बताते हो, हालांकि एड्रेस तो मैं सारे वीडियो में ही बताता हूं। तो चलिए यहां का हम थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं। ये रास्ता है, ये सरार गाँव से आता है, और ये जो सामने आप देखोगे तो ये रास्ता सीधा इधर काशीपुरा रेलवे स्टेशन पर भी चला जाता है ना, काशीपुरा रेलवे स्टेशन भी चला जाता, बाकी गांव है इधर, और इधर से हम लोग आए हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं काशीपुरा गांव में, और आप वीडियो देखते रहिए पूरा। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं काशीपुरा गांव में। तो काशीपुरा गांव में जो सीन फिल्माए गए थे फिल्म के, तो अंकल मिले हैं हमको, अंकल हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहां पे, तो अंकल का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। अंकल जी नाम बता दीजिए अपना। जयेश पटेल है मेरा नाम। ओके अंकल जी, अंकल जी यहां पे वो बना था मदर इंडिया, तो बताइए ना हमें कौन कौन सी जगह कैसे कैसे था, क्योंकि वो चबूतरा का स्थान लिया है। ये वाला चबूतरा, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये चबूतरा अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो कितना पुराना है ये। और यहाँ पे क्या था पहले? ये महादेव का मंदिर था, धर्मशाला था, इधर इधर महादेव का मंदिर था, धर्मशाला था, वो टूट गया सब, तोड़ डाला। हाँ हाँ, नया बनाने के लिए, नया बनाने के लिए अब इसको दोबारा से नया बनाया जाएगा। हाँ अच्छा, ये भी तो दिखाया गया था ना शायद, ये घर है, इस घर को लाला का घर बनाया गया था, वो पता नहीं ज़्यादा टाइम हुआ, वो घर का था, इधर ये था। हाँ नहीं, ये देखा हमने। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो घर है, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आज भी ये घर है, तो यानी कि 60 साल पुराना है ये घर अभी भी। इसमें कौन रहते हैं अंकल? कोई नहीं रहता, कोई खाली है, ये खाली है। तो देखो ये अमेरिका चले गए सब लोग,
तो सब लोग हैं जो अमेरिका चले गए हैं, देख सकते हो यार कितना पुराना घर है, 60 साल पुराना और मिट्टी का घर। वाह भाई क्या बात है, मंदिर में घंटी बज रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी कुछ अंकल है? फिर यही है इतना ही पत्थर का सब अभी निकाल लिया, नहीं तो वो जमीन देखने के लिए जाना तो मैं दिखा सकता। जमीन वहाँ पे जहाँ पे वो सीन नहीं था। हाँ पत्थर की, हाँ 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 वो तो छोटा सा पत्थर था, अभी फेरने से निकाल दिया। हाँ 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 ट्रैक्टर का जमाना आ गया इसके लिए। तो दिखाओ ना अंकल एक बार, देखते हैं। हम लोग राजस्थान से आए इतनी दूर से, तो और काफी पुरानी बसावट है अंकल यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा ये बंगला बना हुआ है, ये बंगला टाइप का खड़की बोलते हैं। खड़की वो सब 6-7 कुटुंब एक साथ में रहते थे इसमें, अलग अलग घर है। हाँ इसमें एक है, बीच में एक ही है। मतलब अंकल कह रहे हैं कि 6-7 परिवार इसमें रहते थे एक साथ। और वो जो था ना, हाँ, तो यहाँ पे जो शूटिंग करने के लिए आए थे ना, हाँ, हाँ, सुनीदर वो, हाँ, वो सब ऊपर रहते थे। उस टाइम पे होटल नहीं था, उस टाइम तो होटल कहाँ पे, वो आज से 60 साल पहले की बात है। वो होटल वोटल था ना बड़ोदरा, इधर से जाना पड़े बड़ोदरा, बड़ोदरा जाने के लिए साधन बाधन नहीं है, तो यहाँ पे सब रहते थे इसमें रहते थे। हाँ इधर अंदर है सब। तो गाइज आप देख रहे हो जो ये घर है, आप इसको देख रहे हो, जब फिल्म बनी थी तो इसी घर के अंदर वो सब रहते थे यहाँ पे, जितने भी हीरो हीरोइन थे और जो फिल्म वाले थे। अच्छा अंकल यहाँ पे आपको कुछ याद होगा, तो जब फिल्म बनी थी तो गांव वालों के भी सीन लिए थे फिर? हाँ, या वो जो छोटा लड़का जो बनाया था ना, वो सुनील दत्त का छोटा रोल, हाँ वो भी मर गया है, बिरजू, बिरजू, हाँ हाँ वो इधर का था। अरे कैसे वो, मतलब कैसे खत्म हो गया था? हाँ पीता था। हाँ देखो 60 साल फिल्म को बने हो गए, 5-7 साल का उस टाइम पे भी होगा वो, तो उस टाइम पे तो चलो अंकल एक बार जमीन दिखा दीजिए आप हमें। दोस्तों ये है काशीपुरा गांव का स्कूल, ये काशीपुरा गांव का स्कूल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसकी लुकिंग है जो पुरानी है देख सकते हो, और अभी कोरोना के चलते हुए इस स्कूल को बंद किया हुआ है। तो ये इसका ग्राउंड है, बच्चे भी शायद इसमें है नहीं क्योंकि एक बाइक तो खड़ी है इसमें, और बाकी स्कूल है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कूल है। अभी हम लोग चलते हैं काशीपुरा गांव से जमीन देखने के लिए जो मदर इंडिया फिल्म में बनी थी। अभी गांव देख रहे हो आप लोग, गांव है तो हम लोग गांव से बाहर चलेंगे। कौन सा? हाँ हाँ बिरजू का घर ये था। हाँ जो लड़का बिरजू बना था उसका घर है ये। ओके आते टाइम पे देखेंगे हम लोग। ये पानी की टंकी है साथ, नया बना है। बच्चों के स्कूल बंद है यहाँ पे शायद। हाँ आप पैसा आप ये बरगद का पेड़। हाँ अभी तो ये टूटने लगा है, कमजोर होने लगा है। टाइम बहुत हुआ है। हाँ गांव वाले ने सब बनाया नीचे इसकी रक्षा नहीं की अच्छे से। हाँ माटी निकल के कटने लगा ना वो।
बदलाव तो होते ही अंकल, काफी टाइम हो गया है ना, उसी हिसाब से। हाँ इस, ये पहले नहर थी। किसका? महबूब खान का फिल्म बनाया। हाँ हाँ, डायरेक्टर। तो उसका वो यही का है क्या, सरार का? ये काशीपुरा का वो सरार का है। हाँ यहाँ से जमा होता है इधर का सब ले, उसका मामा अंदर अंदर शादी होती है उनको में। हाँ तो उसको एक दूसरी शादी किया। हाँ उधर जाके दूसरी शादी किया उसने। वो तो सब जैसे जैसे चलाता था इधर। हाँ काफी अंदर है जमीन। हाँ यहाँ की मिट्टी काली है अंकल। सब वो नहीं था, कैनल बैनल कुछ भी नहीं था, कैनल नहीं था वो टाइम पे। हाँ बस फिर भी उसके मगज में कैनल का दृश्य था। हाँ इधर पानी भरा है, निकलने का कुछ उधर से नहीं निकलेगा कि इधर अंदर से जाए पेड़ों से? अगर हम उधर खेत में से आए तो पीछे से उधर से नहीं, उधर ये पानी है, ये सब उसके लिए तो इधर ही रास्ता था। हाँ पानी आ गया। तो दोस्तों अंकल है जो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कहनी पड़ेगी बात बंदे की, बहुत अच्छा बंदा है। अभी क्या हुआ था, जब हम लोग गए थे उधर जंगल में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था रास्ते में। तो फिर वहाँ से वापस आए हम लोग, एक बंदे को कॉल किया और अभी हम लोग आए सड़क सड़क होकर, तो कई किलोमीटर का फेर लगा। तो अभी यहाँ का जो नज़ारा है देखो, तो ये वेराई माता का है ना, ये वेराई माता का यहाँ पे एक छोटा सा स्थान है। अंकल यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और ये नहर है पास में ही, तो जंगल वगैरह है। तो अभी हम लोग फिर चलते हैं उधर ज़मीन की तरफ, देखते हैं अंकल हमें कहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों अभी काफ़ी मेहनत मकसद के बाद में मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ पर किसी टाइम पर नरगिस जी ने जब हल चलाया था, ज़मीन तोड़ी थी मदर इंडिया फिल्म के अंदर। तो आप देखोगे तो अभी यहाँ पे बदलाव हैं काफ़ी। तो ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं सफ़ेदे के पेड़ हैं अंकल, नील लिप्टिस बोलते हैं हमारे वहाँ पर, सफ़ेदा भी बोलते हैं वो जो सीधा जाता है वो, है ना। हाँ तो ये सफ़ेदे के यहाँ पे पेड़ हैं। तो अभी देखोगे आप तो ये जो ज़मीन है ना, इसी ज़मीन में उनके हाथ कट जाते हैं राजकुमार जी के, जब वो बैलों से पत्थर को खींचते हैं। तो एक बार तो बैल भी मर जाते हैं उनके, और दूसरी बार में वो जब बैल से वो पत्थर नहीं खींच पाता है तो टूट जाते हैं उनके हाथ दोनों। तो ये वाली ज़मीन अंकल वो, हाँ वो है ना। तो अभी देखो आप ये ज़मीन है भाई कितने, मतलब अगर आप देखो इस ज़मीन को तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे, अब जब आप आओगे कभी यहाँ पे तो वो फीलिंग जाग जाती है यहाँ पे। तो अंकल अभी आप कितना दूर आए होंगे काशीपुरा गांव से?
चार किलोमीटर। तो अंकल भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अंकल आप एक अनजान आदमी के लिए इतना किया आपने, वहाँ से घुमाया, फिर वो रास्ता मिला नहीं, फिर आप यहाँ पे आए हमें देने। तो दोस्तों यही दिखाना था मुझे आप लोगों को, जब वो 5 बीघा ज़मीन होती है उनकी अलग से, जो वो तोड़ होती है उसको, जो सुखी लाला का कब्जा नहीं होता है, तो ये वो वाली ज़मीन है भाई। और अभी देखो बदलाव तो वक्त के अनुसार होते ही हैं। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मदर इंडिया फिल्म शूटिंग लोकेशन का। तो आप देख रहे थे इसको गुजरात से काशीपुरा गांव से, ये लोकेशन आप देख रहे हो गुजरात के काशीपुरा गांव से, ये लोकेशन आप देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।